आज भैया भगवान के पुत्र बड़े ही सुशील हैं। बड़े पुत्र हैं प्रदुमन और प्रदुमन के दो विवाह हुए हैं, अनिरुद्ध जी के भी दो विवाह हुए। श्री कृष्ण के परिवार में आपस में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते हैं। रानियों में कभी आपस में झगड़ा नहीं होता, लेकिन भगवान से बारी बारी सभी रूठती रहती हैं। सत्यभामा जी तो हफ्ते में 3 बार रूठती हैं भगवान से, लेकिन रुक्मणी जी आज तक कभी नाराज नहीं हुई, कभी नहीं रूठी। संतरी से लेकर मंत्री तक एक ही बात कहते हैं कि रानी हो तो रुक्मणी जैसी। दरबारी से लेकर भोजन भंडारी तक एक ही बात कहते हैं कि रानी हो तो रुक्मणी जैसी। भगवान ने सोचा सभी लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं रुक्मणी जी की, तो क्यों ना हम भी आज इनकी परीक्षा लेकर के देखें। आज भगवान रुक्मिणी जी के महल में आकर के शांत बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, आकर के भगवान को पंखा जलने लगी। जब भगवान कुछ नहीं बोले तो कहने लगे, स्वामी क्या कोई हमसे अपराध हुआ है जो कुछ बोल नहीं रहे हो? भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। कुछ तो बोलो भगवान, अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो हम उसको सुधारेंगे। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। प्रभु बोलो तो सही। भगवान कहने लगे, रानी एक अपराध किया हो तो बताएं, आप तो अपराध पे अपराध पे अपराध पे अपराध करते जा रही हैं। पहला अपराध तो ये तुमने किया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुमने मुझसे विवाह किया। अरे इतने बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार, बड़े बड़े राजघराने से आए और तुमने हमसे विवाह किया। शकल देखी कि रुक्मिणी जी को क्रोध आया कि नहीं, लेकिन जब क्रोध नहीं आया फिर एक और बात बोली कि तुमने हम गवारियों से विवाह किया। फिर देखा क्रोध आया कि नहीं, फिर कहने लगे, भगवान जिसके मां का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, तुमने उस व्यक्ति से विवाह किया। फिर देखा क्रोध आया कि नहीं। और देखो राजाओं की डर की वजह से समुद्र में छुप करके बैठा हूं, मुझ डरपोक से विवाह किया। देखा क्रोध आया कि नहीं आया। उसके बाद में प्रेम से बोलिए श्री राधे, जब भी क्रोध नहीं आया तो फिर भगवान ने कहा, देखो तुमने हम काले से विवाह किया, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए और हम जैसे काले से विवाह किया। हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है, भगवान को कहते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं पता है? हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि अगर नंद लाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। अगर गलती से छोरी हो जाते ना तो तुम्हारे से विवाह करने के लिए तलवार उठती, खनक उठती और आपस में सहार होने लग जाता कि हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। मेरे मोहन इतने सुंदर हैं, लेकिन देखा अभी भी क्रोध नहीं आया। मेरे प्रभु ने एक ऐसी अटपटी बात बोली ऐसी अटपटी बात बोली कैसी कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर सकती हो। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई।
और जैसे ही बेहोश हुई ऐसी अटपटी बात बोली, और कब बोल रहे हैं, जब भगवान के चार पांच पुत्र हो गए, 20 वर्ष शादी को हो गया है। और आजकल की माता होती तो लगा देती अकल ठिकाने, क्योंकि अल्लाह मैं करवाऊं तेरे को विवाह है, प्रेम से बोलिए श्री राधे। जैसे ही आंखें होश में आई हैं, भगवान ने पंखा जला, होश में आई और प्रभु हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, अरे आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? आप तो सर्वस्त्र के माता पिता हो, आप तो सभी के माता पिता हो। और भगवान आपने कहा कि जिन बाबाओं के पास में रहने के लिए मकान नहीं होता, खाने के लिए अन्न नहीं होता, वो बाबा लोग हमारा नाम को गाते हैं, तो सबसे बड़ा धन तो उन बाबाओं के पास ही होता है, क्योंकि ये माया रूपी धन यहीं पर रह जाएगा और वो धन साथ जाता है जो गोविंद नाम का स्मरण करता है, बाकी भी हरि के नाम का चिंतन करता है, तो वो धन हमारे साथ जाता है। ये सुनकर के भगवान गदगद हो गए, कहने लगे वाह, जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं कि रानी हो तो रुक्मणी जैसी। आज भैया आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जो पोता है ना अनिरुद्ध जी, उनके दो विवाह हुए, एक विवाह तो रुक्मी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बाणासुर की जो पुत्री उषा है, उसने स्वप्न में आज प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देखा है, और जैसे अनिरुद्ध जी को देखा तो सपने में ही मोहब्बत कर बैठी, सपने में ही प्रेम कर बैठी, और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा का मतलब कि वो किसी का भी नाम बताओ वो उसका चित्र बना देती थी, उसके बारे में बताओ इसलिए वो सभी का चित्र बना देती थी, इसीलिए उसका नाम था चित्रलेखा। और भैया जैसे ही आज चित्रलेखा से उषा ने कहा कि बहन मुझे जो सपने में आया है मुझे उससे ही विवाह करना है, चित्रलेखा कहने लगी बहन क्या नाम है उसका बताओ, बहन उसको लेकर के आओ, मुझे तो विवाह उसी से करना है। बहन नाम बताओ क्या नाम है? बहन नाम तो पता नहीं। तो बहन कहाँ रहता है वो? बहन ये भी नहीं पता, दिखने में कैसा है? बहन ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे विवाह उसी से करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब चित्रलेखा कहने लगी जिसका एड्रेस पता नहीं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, अब लाऊं कहां से लाऊं? तो उसने पहले गंधर्वों के चित्र बनाए, बहन देखो तो सही इनमें तो नहीं है कोई? कहने लगी ना बहन इनमें नहीं है। फिर कुछ देवताओं के चित्र बनाए, बहन देखो इनमें तो नहीं है? कहने लगे ना बहन इनमें भी नहीं है। और फिर जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश का चित्र बनाया, कहने लगी हां बहन थोड़ी थोड़ी छवि ऐसी है, लेकिन ये भी नहीं है। उसके बाद प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया है कि बहन देखो ये तो नहीं है, हां बहन थोड़ी थोड़ी झलक आई ऐसे ही है लेकिन ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र, हां बहन यही है यही है यही है, यही चाहिए मुझे। चित्रलेखा कहने लगी प्रेम भी किया तो किससे? द्वारिकाधीश के पुत्र से, जहां पर जाना संभव नहीं है, लाना तो बहुत दूर की बात है। बहन मुझे नहीं पता, मुझे कल तक चाहिए चाहिए, कहीं से भी लेके आओ, मुझे यही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
चित्रलेखा बिचारी चल दी अपनी सहेली की बात को मान करके, और जैसे ही चली है महाराज, बीच में रास्ते में नारद जी मिले हैं कि देवी इतनी रात्रि को कहां जा रही हो। तब उसने सारी बात बताई कि उषा ने भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र को देखा है तो उससे प्रेम कर बैठी है, तो मैं उसको चुराने के लिए जा रही हूं। नारद जी कहने लगे ये तो गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरी सहेली ने कहा है कि अगर ये नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। भगवान कहने लगे कोई किसी के लिए मरे ये भी गलत बात है, प्रभु आप कुछ करो ना, आप तो कुछ कर सकते हो। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ही समय दिलवा सकते हैं, उतने में जो करना हो वो कर लेना। द्वारिका की सुरक्षा कौन करता है? सुदर्शन जी। रात्रि में द्वारिका की सुरक्षा करते हैं सुदर्शन जी, और इतनी तेज पूरी द्वारिका का चक्कर लगाते हैं, यानी एक मिनट में 108 चक्कर काट देते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो एक मिनट में 108 चक्कर का, कि अगर चींटी भी अंदर घुसने का प्रयत्न करे तो वो भी जल करके भस्म हो जाए। नारद जी पहुंचे सुदर्शन जी द्वारिका की परिक्रमा लगा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। अरे भैया जय श्री कृष्ण। नारद जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अरे भैया हमें तो भगवान की बचपन की बाल लीला याद आई तो हमने सोचा तुमको सुना दे। और भैया सब भगवान की मर्जी से ही होता है, सब गोविंद की मर्जी से ही होता है, तो जरा हम जो भगवान की लीला सुनाने के लिए आए हैं सुन तो लो। सुदर्शन जी ने सोचा दो मिनट रुक करके सुन लेता हूं क्या बताने वाले हैं नारद जी, और जैसे ही सुदर्शन जी रुके हैं ना महाराज, वैसे ही नारद जी ने चित्रलेखा को इशारा कर दिया कि अपना काम कर लो। और जब तक पसीना पहुंचने लगा, भैया बहुत सेवा करते हो भगवान की, बहुत इतनी सेवा करते हो भैया, बहुत सेवा तो बहुत करते हो। देखा चित्रलेखा आज पूरी चारपाई समेत ही उड़ा करके ले गई भगवान के पुत्र को, पोत्र को देखा ले गई। अच्छा नारद जी आज कुछ भगवान की लीला के बारे में बता रहे थे। हाँ भैया देखना भैया अभी घड़ी में समय कितना हो रहा है। नारद जी घड़ी में तो रात्रि का 1:30 बज रहा है। अरे भैया 2 बजे तो हमें इंद्र के पास पहुंचना है, हमारी मीटिंग है, फिर कभी बताएंगे। और वहां से नारद जी निकल गए। सुदर्शन जी ने सोचा नारद जी आए उन्होंने मुझे रुकाया है, और लीला बताने वाले थे खुद ही कहने लगे मीटिंग में जाना है, दाल में कुछ तो काला है। और जैसे ही प्रातः है पता चला कि भगवान के घर से अनुद्रुत जी की चोरी हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला है भैया, तो आज अपने पुत्र को वापिस मांगने के लिए बाणासुर के पास गए हैं। बाणासुर से कहा कि हमारे पुत्र को हमें लौटा दो, लेकिन उसने नहीं दिया तो युद्ध छिड़ गया बाणासुर के साथ में भगवान का। और बाणासुर की सहायता करने के लिए भगवान भोलेनाथ आ गए, शंकर भगवान आए। अब तो शंकर भगवान का और भगवान बांके बिहारी का युद्ध छिड़ गया। सभी ने बहुत प्रार्थना करी तब जाके भगवान शांत हुए हैं, और बाणासुर की जो पुत्री का विवाह अनुरुद्ध जी के साथ किया, और उसको लेकर के वापस आ गए द्वारिका में। प्रेम से बोली श्री राधे। अभी हम थोड़ी देर में सुदामा चरित्र के दर्शन करेंगे। सुदामा जी महाराज थोड़ी देर में है भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर जाने वाले। प्रेम से बोली श्री राधे।
आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित एक विचित्र बात बताऊं, ध्यान देना, परीक्षित एक विचित्र बात बताऊं, भगवान के पुत्र की उम्र है 50 वर्ष। कितनी है? 50 वर्ष। भगवान के पुत्र की उम्र है 25 वर्ष और भगवान की उम्र है 15 वर्ष। है ना विचित्र बात? भगवान 15 से कभी 16 में नहीं जाते क्योंकि काले परे हैं, काल का असर भगवान के ऊपर नहीं होता है। जब श्री कृष्ण अपने पोते के संग महल में जाते हैं तो अन्य रानियां ब्रह्म हो जाती हैं, वो पोते को ही कृष्ण समझ लेती हैं और कृष्ण को ही पोता, बल्कि बाबा तो सबसे छोटे लगते हैं। रानियां कहती हैं, अरे तुम तो हमें ब्रह्म में डाल देते हो, बाबा बेटा है नाती सब एक जैसे लगते हो, बल्कि बाबा ही छोटे लगते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज इसी का फायदा उठाया है पौंड्रक नाम के व्यक्ति ने। पौंड्रक ने काशी नरेश से पूछा कि सभी लोग द्वारिकाधीश को भगवान क्यों मानते हैं। काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा कि हमने सुना है उनके 4 हाथ हो जाते हैं, कभी सुदर्शन भी है उनके पास में, इसलिए भगवान मानते हैं। तो उसने कहा, अगर हमारे 4 हाथ हो जाएं और सुदर्शन हमारे पास आ जाए तो क्या लोग हमें भी भगवान मानेंगे? जरूर मानेंगे भाई। तो उसने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, सुदर्शन चक्र लकड़ी का लगाया और जैसे ही बटन दबाता वो सुदर्शन चल जाता और उसने अपना नाम भी बदल लिया, अपना नाम रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। अब तो उसकी जगह 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 भक्त बन गए और भगवान को उसने खत लिख दिया कि जल्दी से द्वारिका को खाली कर दो, यहां के राजा हमें जल्दी से खाली कर दो, यहां के राजा हम हैं, जल्दी से द्वारिका को खाली कर दो। और भैया मेरे प्रभु अर्जुन को लेकर के आए हैं और जैसे ही अर्जुन को लेकर के आए भगवान से युद्ध छिड़ गया है। और जैसे ही भगवान से युद्ध छिड़ा वो पौंड्रक भगवान के हाथों मारा गया है, बल्कि उसको मुक्ति दे दी है, आज उसको मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि वो कुछ भी है भगवान के नाम का चिंतन तो करता था, आज उसको मुक्ति प्रदान की है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने के लिए आए हैं, 16,108 भवन है। नारद जी ने सोचा कि भगवान एक और रानियां इतनी सारी, तो सारी रानियों के साथ में मेरे प्रभु कैसे रहते हैं, देखकर तो आऊं। और जैसे ही आज नारद जी आए हैं तो भैया कहीं किसी रानी के साथ में भगवान भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी पुत्र के साथ में खेल रहे हैं, कहीं किसी पुत्र को धनु विद्या सिखा रहे हैं, कहीं किसी रानी के साथ में शयन कर रहे हैं, कहीं गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तरह तरह से जैसे ही देखा नारद जी ने कहा, आप तो आश्चर्य करने की बात नहीं भगवान, आप तो कड़कड़ में विराजमान हैं, आप तो कड़कड़ में विराजमान हैं। इस लीला को जैसे ही देख करके प्रणाम किया, भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कहा, प्रेम से बोलिए श्री राधे, कि देखो जैसे ही पूछा कि आपका आगमन किस प्रकार हुआ है, तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे पांडवों ने तुम्हारे पास भेजा है, पांडव एक राजधानी बनाना चाहते हैं,
और उसमें राय सुई यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हम जरूर आएंगे। इतना कहकर के नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके वहां से विदाई ली। इतने में ही एक दूत आया है, उसने कहा कि मैं गया से आया हूं। उसने कहा कि मैं गया से आया हूं, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नरबलि देने के लिए। उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए तुम्हारे पास में मुझे भेजा है। भगवान ने कहा जाओ कह दो हम प्रयत्न करेंगे। और भैया आज भगवान पांडवों के यहां पर आए हैं और पांडवों से कहने लगे कि तुम राजधानी तो बनाना चाहते हो, क्या तुमने सभी राजाओं को जीत रखा है? देखो वैसे तो हमने सभी राजाओं को जीत रखा है, लेकिन मगध के जो राजा हैं जरासंध, उनको कोई नहीं जीत सकता। भगवान ने कहा देखो पापी को अगर छुपके से भी मारो ना तो पाप नहीं लगता। तो भीम दादा को, अर्जुन को और स्वयं भगवान ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के यहां पर पहुंच गए। और जैसे ही जरासंध के यहां पर पहुंचे, जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। कब से? जब से द्वारिकाधीश को रण छोड़ करके भगाया है। आओ प्रभु आओ, बहुत बड़ी सेवा करी, आपको पता है ना मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत दान देता हूं। भगवान मुस्कुराए, आपको पता होगा जो आजकल द्वारिका का राजा बन के बैठा है उसको मैंने रण छोड़ करके भगाया था ब्राह्मणों की कृपा से, तभी से मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन तुम मेरे दरवाजे पर आए हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाने देंगे, कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान कहने लगे हम दान नहीं लेते। देखो लेना तो पड़ेगा, हमारे यहां दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ जाए, क्या पता हम जो मांगे आप ना दो। आज जरासंध को वचन भरवाया है। जरासंध ने कहा कि हम वचन देते हैं तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आज भगवान ने क्या मांगा है पता है? भगवान ने मांगा है कि युद्धम नो देहि राजेन्द्रे द्वदंसो यति मन्यसे, युद्ध तीर्णो वयम प्राप्ता राजन्यनात्र काचिनः। यदि देना चाहते हो ना तो हम तीनों में से किसी से भी युद्ध कर लो। जरासंध एकदम चौंक गया, कहने लगा ब्राह्मणों का काम तो युद्ध करना नहीं होता भाई, ब्राह्मणों का काम युद्ध करना नहीं होता, युद्ध करने का काम क्षत्रियों का होता है। तो भगवान बोले हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं। कौन हो तुम? मैं, जो मेरे बगल में दाई तरफ खड़े हैं ये हैं भीम दादा पांडव, और जो बाई तरफ खड़े हैं ये हैं, जो बाई तरफ खड़े हैं ये हैं अर्जुन, और तुम कौन हो? कि मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूं। जरासंध ने सोचा अगर मैंने कृष्ण से युद्ध किया तो मैं हार जाऊंगा, पक्का हार जाऊंगा है? तो कहने लगा जरासंध तुम तो रण छोड़ करके भाग गए थे, तुम तो कायर हो, इसलिए तुमसे हमने युद्ध नहीं करना। भगवान मुस्कुराए, भगवान कहने लगे देखो मैंने इसको 17 बार रण छोड़ करके भगाया तो ये कायर नहीं हुआ, और मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़ करके गया तो मैं कायर हो गया। और देखो अर्जुन, अभी मेरे पास में जो अर्जुन है ना, ये बच्चा है मेरे सामने, हाँ ये भीम दादा जरूर मेरे समान बलशाली योद्धा हैं। और जैसे ही भीम दादा का नाम लिया महाराज, फूल करके कुप्पा हो गए।
कि देखो कृष्ण को भी रिजेक्ट कर दिया और अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, भीम दादा को अभिमान हो गया। भगवान कहने लगे तो गड़बड़ हो गई, जब अभिमान हो गया तो फिर काम कैसे चलेगा। भैया 26 दिन तक युद्ध चला, नस नस ढीली हो गई। किसकी? भीम दादा की। भगवान के पास आया, प्रभु आपने चलना है वापिस तो चलो, नहीं तो मैंने कोई युद्ध बुद्ध नहीं करना, मैं तो जा रहा हूं। भगवान ने देखा कि हां अब इसका अभिमान चूर हो गया है, अब इसका अभिमान चूर हो गया है। तो भगवान ने कहा जब 27वें दिन यानी कल तुम युद्ध करोगे तो मेरी तरफ देखना। भीम दादा ने ऐसा ही किया और जैसे ही युद्ध करने लगे भगवान ने एक तिनका लिया और इधर उधर फेंक दिया और भीम दादा ने भी जंगा पे पैर रखा, एक जंगा को खींचा और इधर उधर फेंक दिया, उसका प्राणांत कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे।